पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि लॉकडाउन में प्रधानमंत्री के आह्वान पर देशवासियों ने अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश की सरकारों द्वारा भी जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय से रमजान के पाक महीने में घर पर रहकर ही नमाज अदा करने की अपील की। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान कोरोना महामारी से निपटने और लॉकडाउन के दौरान उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कंवर ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अपना सहयोग दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने 20,000 के करीब गरीबों और प्रवासियों को निःशुल्क राशन पहुँचाया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि लॉकडाउन में मनरेगा में काम को छूट दी गई है और पिछले कल तक 10,000 लोगों ने मनरेगा में दिहाड़ी लगाई। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से रमजान महीने में घर पर ही नमाज अदा करने की अपील भी की। कंवर ने कहा कि जिला आपदा राहत कोष में 24 अप्रैल तक 46,26,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जिला ऊना से 4,07,000 रुपए तथा पीएम केयर्स फंड में 1,91,000 रुपए दान किए गए हैं। इसके अलावा चिंतपूर्णी मंदिर की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रशासन द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग के माध्यम से अब तक जरूरतमंदों को 19,959 राशन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, समाजसेवी संगठनों ने, बहुत सारी एनजीओस ने बढ़ चढ़ करके जो है वो जहां जिला प्रशासन का भी योगदान जो है वो किया, वहीं हमने जो है वो आपदा राहत कोष में 24 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल तक हमें जो है वो 46.26 लाख रुपया जो है वो हमें प्राप्त हुए। उसमें हमने सीएम रिलीफ फंड में भी जिला ऊना ने जो है वो 4.07 लाख रुपया जो है वो सीएम कोविड उस फंड में भी हमने दिए, और पीएम में भी 1.91 जो है लाख रुपया जो है वो हमने यहाँ से दिए गए। और विशेषकर माता चिंतपूर्णी मंदिर से जो है वो 5 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो जो है वो प्रदेश सरकार के कोविड फंड में जो है वो जिला ने जो है वो योगदान जो है वो किया है। 24 तारीख के बाद लगातार एक कर्फ्यू की स्थिति जो है वो पूरे जिला के अंदर बनी, और जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें से विशेषकर जो प्रवासी मजदूर थे, गरीब थे, उनको जो है वो खाने की चिंता हो रही थी। जिला प्रशासन इसमें आ गया, DRDA के माध्यम से जो है वो हमने 19,959 परिवारों को सीधे तौर पर जो है वो प्रशासन ने जो है वो राशन दिया है। मनरेगा के बहुत सारी पंचायतों ने काम शुरू कर दिया है, और कल तक की जो मेरी जानकारी थी कि 10,000 लोग जो हैं वो मनरेगा की दिहाड़ी पर आए हैं। और मैं तो ये आज भी आपके माध्यम से ये कहूँगा कि सभी पंचायतें जो हैं वो लोगों को रोज़गार देने के लिए जो है वो आगे आए और इस काम को जो है वो शुरू करें। सिटी चैनल के लिए ऊना से लक्की के साथ चंद्र की रिपोर्ट।